दोस्तों सिम कार्ड तो आपने जान कितने ही कम में लेते हो, क्या आप जानते हैं कि ई सिम कार्ड होता क्या है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है संजय जी, आप देख रहे हैं भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सिम कार्ड तो आपके पास न जाने तरह तरह के होंगे, वोडाफोन, आइडिया, जियो या फिर किसी और कंपनी के सिम कार्ड तो होंगे। क्या आप जानते हैं कि ई सिम कार्ड होता क्या है? ई सिम कार्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। मान लो आपके पास कोई सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि सिम कार्ड के चिप लगी हुई है जिसके जरिए वो आगे सिग्नल भेजता है, यानी कि ये बताता है कि ये सिम कार्ड इस कंपनी का है, वो सिर्फ उसके अंदर छोटी सी चिप लगी हुई थी उसके जरिए वो ये बताता है। अगर वो हार्डवेयर सीधा आपके फोन में लगा दिया जाए तो वो हुई ई सिम कार्ड, यानी कि आपको किसी कोई सिम डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो कंपनी वाले आपको एक नंबर देंगे, वो नंबर आपको अपने मोबाइल में एंटर करना होगा। जैसे आप वो नंबर एंटर करते हैं, आपके मोबाइल में उसी कंपनी की सिम एक्टिवेट हो जाएगी, यानी अगर आपके पास आइडिया है या फिर वोडाफोन है या फिर जियो है तो वो आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप नंबर अपने स्मार्टफोन में डालेंगे, वो सिम आपके स्मार्टफोन में शो हो जाएगी, यानी कि आपको कोई सिम इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वो नंबर डालना है, यानी कि आपको कई सारी सिम्स रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नंबर रखना है। जैसे ही आप उन नंबर से अपने मोबाइल में लॉग इन करेंगे, उस कंपनी का नेटवर्क आपके स्मार्टफोन में आ जाएगा, क्योंकि जो सिम कार्ड होती है वो सभी कंपनी की एक समान होती है। सिर्फ उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, ये इस कंपनी की, ये इस कंपनी की, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन अलग होती है। जो ई सिम कार्ड होता है वो सिर्फ आपके सभी सिम है उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। जैसे आप उस कंपनी का उसमें नंबर आते हैं तो उस फोन में उस कंपनी का नेटवर्क आ जाता है। ये होती है ई सिम कार्ड। जो उम्मीद आपको पता चल चुका होगा कि ई सिम कार्ड होती क्या है और ये काम कैसे करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।